इस रेगिस्तान में लाखों सालों से कुछ नहीं बदला है, लेकिन ये गवाह रहेंगे कि ये दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर किसी दुर्बल का राज होगा। ये कोई ड्रिल नहीं है, आप सबको तुरंत ये जगह खाली करनी है। बाहर जाने का नजदीकी द्वार। चलो चलते हैं, जल्दी चलो। यहाँ पर 10 आपातकालीन निकास है। हर दरवाजे पर एग्जिट साइन है। तुम्हें इसके बारे में यकीन है जॉर्ज? अगर नहीं होता तो इस रेगिस्तान में मैं किसी भी हालत में 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर नहीं आता। चारों ओर देखो, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा पैसा है। कॉपर 140 रुपया किलो बिक रहा है। यहाँ कम से कम 2500 किलो पड़ा है हमारे लिए, और उसी का फायदा हमें लेना है। तुम्हें यकीन है यहाँ कोई नहीं है? आज दोपहर मैं एक बकवास पार्टी सेटअप करने में मदद कर रहा था, तब मुझे ये पता चला। यहाँ कोई नहीं है, यकीन करो। देखो, पीतल की गोलियां 100 रुपए किलो आराम से मिलेगा। कारतूस? वो लोग कहाँ गए जिन्होंने गोलियां चलाई, और क्यों चलाई गोलियां? शायद रेगिस्तान में वो लोग चोर पुलिस खेल रहे होंगे। फिकर मत करो, हम अमीर बन जाएंगे। हमें बस इस जमीन से पैसा उठा के ले जाना है। इसको देखो, ये कोई मजाक नहीं है। Oh,
मैं तैयार हूँ। चलते हुए देखो। खबर ब्रायन, तूने देर कर दी। अपनी ही पार्टी में कोई लेट नहीं होता मेरे भाई, नामुमकिन। मैं बस वहां जाबाज के साथ पहुंचना चाहता था। यकीन नहीं हो रहा मैं जाबाज से मिलने जा रहा हूं। तो तुम्हारा मतलब है कि हम मिलने जा रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने रॉजर को नहीं हराया होता तो हम जाबाज को कभी नहीं मिल पाते। तू उसे हरा ही नहीं पाता अगर मैं तेरा इंजन दोबारा नहीं बनाता। रॉजर तुझे आखिरी जंप में हरा देता। इसलिए तो मैं अपने स्टार मैकेनिक और खास दोस्त को स्टेज पर साथ लेकर जाऊंगा जब जाबाज के हाथ से मुझे मेडल मिलेगा। तुम्हारे बिना ये नामुमकिन था यार। और मेरे दोस्त, मेरी बाइक कैसी है? मैंने इसका सस्पेंशन बदल दिया है जो उस जंप के बाद जरूरी था। अच्छा है। और हाँ, मैंने इसका एग्जॉस्ट सिस्टम भी बदल दिया है जिससे ये और तेज भागे। बहुत हो गया ये टेक्निकल बकवास, मेरी विक्ट्री पार्टी इंतजार कर रही है। बियर, बाइक्स, रेगिस्तान, लड़कियां और जाबाज। यह आज का दिन। दोस्त, यहाँ कहाँ जा रहे हो? रेगिस्तान दूसरी तरफ है। मालूम है, लेकिन पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा लेना है। यहाँ तो लीजा रहती है। क्या? वही तो, मैंने उसे इनवाइट किया है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? मजाक कर रहा हूँ, शायद मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस बार नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ यार। अगर तू नहीं बोलेगा तो तेरी जगह कोई और उसे वो बोलेगा जो तुझे बोलना चाहिए। आखिर हिम्मत तो तुझे दिखानी पड़ेगी। नसीब हिम्मत वालों का साथ देता है। कुछ करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। जैसा कि जाबाज का कहना है, खुद पे यकीन रखो। नहीं तो दूसरा नहीं रखेगा। अरे बाबा, लेकिन वो सिर्फ एक मूवी है। हाँ शायद, लेकिन अब समय आ गया है अपनी जिंदगी को मूवी में बदलने का। और अगर ये मूवी ही है तो ये पार्ट स्लो मोशन में होगा। भगवान, पागल हो रहा हूँ मैं। हाँ, कुछ बात तो है उसमें। हाय लुकास, कैसी हो लीसा? और हेलो ब्रायन। थैंक्स। मुझे इस पार्टी में क्यों बुलाया? एक खूबसूरत लड़की को इनवाइट करना कैसे भूल सकता हूँ। ये तो खूबसूरती की तौहीन होगी। मैंने तुम्हारा नाम अवार्ड लिस्ट में देखा लीसा। वाह, मुबारक हो। थैंक्स, लेकिन मुझे दुख है कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाई। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो ब्रायन? ये अवार्ड जीतने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है और तुम बोल रहे हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? ना ना ना, मेरा मतलब बड़ी बात है, मैं सिर्फ मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ ब्रायन। मैं ये कहना चाह रही थी तुम्हें भी मुबारक हो। बोरिंग, बहुत हुई स्कूल की बातें। लेट्स पार्टी। तो तुम लोग जाबाज से मिलने जा रहे हो, कैसा लग रहा है? शब्दों में बताना मुश्किल है। अरे मैं तो सोया भी नहीं रात भर। मुझे भी कहाँ नींद आई। हाँ वाकई में बहुत मजा आएगा। मुझे मालूम है सबको ओरिजिनल बहुत पसंद है, पर मुझे लगता है कि पार्ट 3 इस सीरीज की सबसे अच्छी मूवी है। पता है उस मूवी के स्टंट वर्क और प्लॉट कमाल के हैं। अच्छे स्टंट वर्क और अजीबोगरीब प्लॉट्स, ये सब मिलाकर ही मस्त और मज़ेदार मूवी बनती है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट जाबाज मूवी है। मैंने सुना है जाबाज का अगला पार्ट लंदन में शूट होगा। तुम लोग जब उनसे मिल, ये दोनों यहाँ भी
इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। ओह हेलमेट, तू स्टीयरिंग संभाल, गाड़ी चला। ये हो क्या रहा है? गाड़ी चला। ये कर क्या रहा है? जरा एक मिनट। अरे ये क्या कर रहा है? ये पागल है। मालूम है, कमाल है ना? मेरे दोस्तों, मैं आ गया हूँ, पार्टी शुरू करते हैं। तू एक घटिया इंसान है लुकस। मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचता हूँ टिम। लुकस ने पिछले हफ्ते तुम दोनों को हराया था और इस बार फिर से हरा दिया। तू इसकी बाइक में कारीगरी ना करता तो हम नहीं। मैंने जो कुछ भी बदलाव किए वो कानूनी थे, समझे ना था। जबान संभाल के अपनी जुबान को काबू में रखना लायक। मेरे भाई के साथ कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। तू एक काम कर क्रेग। बाय बाय जोकर्स। तू मेरे सामने से चला जा लुकस। पार्टी तो वहां चल रही है। ओह लुकस, ये पी के देख यार। हाँ ये तुझे ट्राई करना ही होगा दोस्त। क्या है ये? ये मेरे फैमिली की खास वोडका रेसिपी है। इसमें है एक ट्विस्ट, तुझे मस्त लगेगा। तुझे भी ट्राई करना है क्या? नहीं, ठीक है, शुक्रिया। अरे बियर। केक लगी ना? यार, गैसोलीन जैसी थी यार। हाँ, शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं। ओके बाय। हाय लिसा। हाय। जाकर बात कर उससे। हाँ? तूने पूरे रास्ते में उससे कुछ बात नहीं की। अरे क्या बात करता है उसके साथ? ना तो मेरे पास अच्छी शक्ल है ना अकल। और तेरा क्या जाता है बोलने में? तू अपनी पर्सनालिटी से लड़कियों को पटाता होगा, मेरा क्या? और तूने उन दोनों भाइयों को उसके सामने हरा दिया। अरे अब तो वो तुझे ही पसंद करेगी ना। मुझे तो अब घास भी नहीं डालेगी यार। ब्रायन इस अकेलेपन से बाहर निकला। लड़कियां कॉन्फिडेंस चेक करती हैं तब अपना दिल खोलती हैं, समझे मेरे भाई? नहीं तो लीजा जैसी लड़की के पास आशिकों की कोई कमी है क्या? कॉन्फिडेंस रख मेरे दोस्त। तू आदमी है कि चूहा है? आदमी हूँ। गुड, क्योंकि चूहे को सिर्फ रोटी मिलती है लेकिन आदमी को खूबसूरत लड़की। हेलो गर्ल्स, मुझे लगता है आप मेरी सीट पर बैठी हो। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे लिए ड्रिंक लाओगी प्लीज? थैंक यू। तुमने मेरे दोस्त को यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा? ताकि मैं और तुम कुछ बातें कर सके। हे तुम लीजा हो ना, है ना? हाय। हाँ। तो तुम उन दोनों लूजर्स के साथ यहाँ पर आई हो? क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब? ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं है। मेरा भाई उन दोनों को पसंद नहीं करता। मैं तो पहले एक लवर हूँ, बाद में फाइटर, समझी? हाँ।
ये देखो। इतना अच्छा भी नहीं है। ओ भगवान, ये बहुत जबरदस्त था। ये सब फालतू की मत करो। क्या फर्क पड़ता है? अरे छोड़ो, ये तो अभी और भी गंदा होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो मैं नहीं जानता, पर तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझसे दूर रहो तुम। मुझे तो पास आना है। क्या मेरा भाई तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ। तो करे एक अच्छे बच्चे की तरह, अब तुम यहाँ से भाग लो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, सिर्फ एक साल बड़े हो, पर तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, हमेशा छोटे ही रहोगे। अच्छा दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहता हूँ पार्टी की असली जान, लुकास। यहाँ आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या सब लोगों को मजा आ रहा है? ठीक है दोस्तों, पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ इस वीरान जगह पर मेरी जीत का जश्न मनाने आए हैं। मुझे मालूम है कि ये भीड़ यहाँ मुफ्त में मिल रही शराब के लिए भी आई है, पर कोई बात नहीं। आई लव यू टू ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन सच कहूँ तो मेरी ये जीत मेरी बाइक की वजह से है, और असली क्रेडिट जाता है मेरे मास्टर मैकेनिक को। कम ऑन ब्रायन, यहाँ ऊपर आ जा। ब्रायन, वो क्या है? क्या यार, तुम थोड़ा घबराए हुए हो, है ना? लगता है कोई छोड़ के चला गया। इसका मालिक कहाँ होगा? पता नहीं। अरे गंदा मत कर यार। वो क्या? क्या क्या कर रहा है यार तू? कचरा फेंक रहा है, पेशाब कर रहा है, समझ में नहीं आता तुझे? बच्चा है तू यार। यहां चलता है गंदा करना यार, कौन देखने आ रहा है? एक और बियर है तेरे पास? नहीं, मैंने अब तक एक भी नहीं पी यार। और इसमें गलती किसकी है भाई? देख, तेरी सारी प्यास और प्यार के प्रॉब्लम्स का सलूशन पार्टी में है। तू आ रहा है ना? बिल्कुल। ओके, देख सुन, जितना मैं तुझे जानता हूं, लगता है लीजा के बारे में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कमीना है तू। क्या मैं सच में इतना दुखी लग रहा हूं? अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन तू मायूस तो जरूर लग रहा है यार। मैं लीजा के काबिल नहीं हूं यार। वो इतनी अच्छी है, स्मार्ट है, खूबसूरत है। तू भी स्मार्ट है, रोज नए शब्दों का इस्तेमाल करता है जो किसी ने नहीं सुने, और तेरे जैसा दूसरा कोई बाइक मैकेनिक भी तो नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं ना, मैं बस एक सपोर्ट सिस्टम हूं और कुछ नहीं, जो बस साइड लाइन में खड़ा रहता है और बाकी सब लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तू जब तक अपने आप को छोटा और निकम्मा समझेगा, कहीं नहीं जा पाएगा। अच्छा, मुझे अब तुझसे ज्ञान लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? चल मुझे हरा। भाई आ जा। यार वो क्या है? चल चल देख के आते हैं। वहां नीचे? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, हम रास्ता खो सकते हैं, चोट लग सकती है यार। अबे डरपोक। यार 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 यार, वाह ये तो मजेदार है यार। शिकेन इंडस्ट्रीज, ये नाम कहीं सुना है? हर जगह। ये पार्टी और रेस के स्पॉन्सर्स है, तेरे टी शर्ट पे भी तो ये लिखा है। ओह हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। चिकेन सब कुछ बनाता है, तुम्हारे फोन के टचस्क्रीन ग्लास से लेकर हेलमेट के अंदर के प्रोटेक्टर प्लास्टिक तक। यहाँ पर हेलमेट फैक्ट्री होना तो बहुत अजीब सी बात है। मुझे नहीं लगता इस साइड पर ये सब बनता होगा। चिकेन अमेरिका के बहुत बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक है। वाओ, तो ये एक सीक्रेट बॉम्ब फैक्ट्री है? हाँ शायद अब ये बंद हो चुकी है। मुझे नहीं पता, पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चल चल डर मत।
क्या जगह है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। छोड़ ना यार। यहाँ पर सिक्योरिटी या डिफेंस सिस्टम या कोई भी खतरा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे सरकारी राज जो अगर हम देख ले तो शायद हम सरकार की नजर में आ सकते हैं और हमें पूरी जिंदगी भगोड़ा बनकर जीना पड़ेगा। ये ठीक नहीं होगा। यार मैंने क्या बोला था तेरे को, जल्दी कर। ये किस चीज की बदबू है? क्या फर्क पड़ता है, ये तो जाबाज की किसी फिल्म का सीन लगता है। तू और तेरी सोच। यस, ये तो बहुत रोमांचक है। रोमांचक? अरे रोमांचक नहीं, डरावना। हर चीज को शक से मत देख ब्रायन, तू हमेशा ऐसा ही कुछ करना चाहता था और ये तेरे लिए एक मौका है। अरे तूने तो कहा था तेरे पास एक और नहीं है। क्योंकि मुझे तुझे पार्टी में वापस लेके जाना था यार। चल मैं तुझे एक बियर दे दूंगा, लेकिन अभी चल यार, देखते हैं क्या है, मजा करते हैं। पता नहीं हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अब वो क्या है? खून? नहीं ये खून तो नहीं है, कुछ घिनौनी चीज लगती है। मुझे लगता है हमें यहां से निकलना चाहिए, पार्टी में वापस चलते हैं। तेरी अचानक पार्टी में जाने की पैदा हुई बेचैनी मुझे अच्छी लग रही है, पर मुझे जानना है कि अंदर क्या है। ये कंपनी मिलिट्री के लिए कुछ भी बकवास बनाती है, तो हो सकता है कि हमें कोई टॉप सीक्रेट मिल जाए। हाँ क्यों नहीं, जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी बंद पड़ती है तो अपनी फैक्ट्री का सारा सामान हमारे जैसे कंगालों के लिए छोड़ जाती है। खैर हमें कभी कुछ पता नहीं चलेगा, फालतू डिबेट करने का क्या फायदा है। चल निंजा स्टाइल। यस यार मजा आ गया। लुकेश, ब्रायन, हेलो, अजीब है। लुकेस, ब्रायन, हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डर लग रहा है तो मुझे पकड़ सकती हो तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? पीछा? बिल्कुल नहीं, मैं देख रहा था कि तुम ठीक हो कि नहीं। तुम्हारे जैसे सुंदर लड़की को यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। इस वक्त अकेले रहना ही बेहतर होगा मेरे लिए। ओ कम ऑन, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, या कोई नहीं है देखने वाला। आ गले लग जा। ठीक है। अरे कमीनी, ये तूने क्या किया? क्योंकि मैंने सोचा कि तुम इसी के लायक हो। नालायक? यस, किसे यहां पार्टी करनी है? चल सबको बुला के लाते हैं। ब्रायन। हाँ यहां पार्टी करते हैं, अच्छा आइडिया है, तो चल जाके सबको लेकर आते हैं अभी। एक मिनट नैंसी। तू मुझे नैंसी बुलाना बंद करेगा। किचन बियर। यस दोस्त, यहां पर जरूर बियर होगी। कोई बियर नहीं है यार, ये अभी भी ठंडा है। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री में एक चालू फ्रिज अभी भी है? जरूर कुछ तो गड़बड़। तेरे लिए अजीब है, मेरे लिए दिलचस्प है। चल यार। लुकास,
लुकास। चेहरा देख अपना, अब इधर आ जा। देखा, ये सब क्या है? मालूम नहीं यार। गंदा जहरीला। दरवाजे पर बैच 9 लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या हो सकता है? वैसे मैं कोई जासूस तो नहीं, पर मुझे लगता है कि ये 9th बैच है उस चीज की जो ये बना रहे थे। और तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ जानता हूं? लेकिन स्मार्ट तो तुम ही हो ना यार। वो क्या है? ओह, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें खुद नहीं पता। सिक्योरिटी कैमरा? पता नहीं, ये कुछ ऐसा क्या था ये? चल जाकर देखते हैं। तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? ओ, चल ना नैन्सी, तूने ही तो मुझे पकड़ के रखा है मेरे दोस्त। जो भी है चल। ये बहुत ही बकवास आइडिया है। हेलो, यहाँ कोई है? तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर कोई सीरियल किलर हुआ तो फिर हम वैसे मारे जाएंगे जैसे डरावनी फिल्मों में लड़कियां एक एक करके मारी जाती है। तुम्हारी इस कहानी में हमें लड़कियां बनना जरूरी है क्या? क्या? और थोड़ा सा आगे प्लीज। चल यार, यहां से निकलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। एक लड़की को अपनी फीलिंग्स बताने में उतना ही डर लगता है जितना बाइन जंपिंग में, लेकिन वो खतरनाक तो नहीं है। हम लोग मारे जाएंगे ब्रायन, हम लोग मारे जाएंगे। चुप रहे ना। चुप रहो, उस चीज से मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मजाक मत कर, एक बड़ी चींटी ने तुझे डरा दिया। क्या यार, अभी मजाक का वक्त नहीं है ब्रायन, मुझे चींटियों से नफरत है। अगर ये विशाल पंडा होता तो मैं इसे कभी नहीं डरता। अरे फोन उठाना, अरे फोन उठा जल्दी, क्या कर रहा है तू? लीजा, ये तुम्हें क्यों फोन कर रही है? लीजा। लुकास, तुम कहां हो? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूं। लीजा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या, तुम इतने धीरे से क्यों बात कर रहे हो? हमें यहाँ एक अजीब सी फैक्ट्री मिली है। ठीक है, लेकिन तुम इतना धीरे से क्यों बात कर रहे हो? हमें यहाँ एक बहुत बड़ी चींटी ने घेर रखा है लीजा। मुझसे मजाक मत करो, मैं अभी बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। बंद करो ये सब। हमारी मदद करो, हमें एक विशाल चींटी ने घेर रखा है। किस चीज ने घेर रखा है? एक बड़ी चींटी ने। उसे मत बोल। मैं इस खाई के पास हूँ। और अच्छा, तुम खाई के पास हो। नीचे देखो, तुम्हें एक सुरंग दिखेगी। उस सुरंग के अंदर जाओ, फिर एक बड़ी सी फैक्ट्री दिखेगी। हेलो, उसके सामने वाले दरवाजे से। हेलो लीजा, कट गया। दांत, तू फोन कर। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। अब क्या करे? कुछ ढूंढते हैं, एक हथियार। ठीक है।
यार इससे तो क्या कर लेगा, उसकी जान लेगा। और तू इससे क्या करेगा, नाश्ता बनाएगा? चल चले। जैसे सीधा जुरासिक पार्क से उठकर आई है, मेरा मतलब पक्का जुरासिक पार्क। मुझसे ये संभाला नहीं जाएगा यार, ये चींटी है या क्या है? मेरी तो जान जा रही है, बस दो बूंद। अरे नहीं, पीछे रहो, कुछ कर यार, पीछे रहो। हमने मार दिया। मैंने मदद की, मैंने अपना बियर कैन फेंका, उसका ध्यान भटकाया। तुमने अच्छा किया लीजा। शुक्रिया लुकास। शुक्रिया लीजा, तुमने कमाल कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। तुम ठीक हो ना? जिंदा हो, मानसिक तौर पर कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुमने अभी एक विशाल चिट्ठी को मार दिया। ठीक है, मुझे लगा कि क्रेग ने मेरे ड्रिंक में ड्रग मिला दिया। क्या खतरनाक तजुर्बा था। चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा खतरनाक तजुर्बा होगा। मेरा पूरा नशा उतर गया यार। लुकास, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, चलो। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जरा सोचो, चींटियाँ हमेशा ग्रुप में रहती है ना। जख्मी चींटी एक संकेत भेजती है जो नजदीक की सभी बाकी चींटियों को आक्रमण करने का संकेत देता है, और वो सब मिलकर उसी जगह पहुंच जाते हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या, तेरे को क्या लगता है लीजा सुंदर है तो वो स्मार्ट नहीं हो सकती? वो एक खूबसूरत चेहरे से कहीं ज्यादा है। उसके पास दिमाग है, पर्सनालिटी है और हिम्मत भी है। आज जिस तरह से इसने हमारी ब्रायन, तुम्हारी इस तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन ओह ठीक है, सॉरी, लेकिन तुम स्मार्ट हो और चलो जल्दी
अरे ये क्या है? क्या लगता है वो चली गई? पता नहीं, तुम्हें वहां जाकर देखना है। नहीं नहीं तू बात कर। लीजा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा है। नो सर्विस। मेरी भी। यहाँ कम्युनिकेट करने का कोई तरीका होना चाहिए। हेलो हेलो। अरे देखो इन चिटियों को देखो सिंडी, कितना काम कर रही हैं। अरे वाह, ये सब अपनी रानी के लिए काम कर रही हैं, मेहनत से। ये वीडियो 50 साल पुराना लगता है। कितनी पुरानी होगी ये फैक्ट्री? ये सच है बिली और सिंडी कि चीटियों का रहन सहन का तरीका काबिले तारीफ है, लेकिन इनका संगठन और काबिलियत बहुत डरावनी हो जाती है जब इनका आकार घोड़े जैसा बड़ा हो जाता है। ज्यादातर छुपकर अपने आप को बचाया जा सकता है, लेकिन इनके बड़े होने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो ये है कि जितना जल्दी हो सके भागो और बचो। अरे यार ये तो शूटिंग गेम जैसा लगता है, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंट्रोलर कहाँ है? शायद ये पुराने गेम्स जैसा है जो तुझे खेलना पसंद है। मुझे नहीं लगता ये कोई गेम है। क्या यस वो मारा, जबरदस्त मेरे यार, बढ़िया यार। पता नहीं ये वीडियो कब किसको मिलेगा, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, क्योंकि ये चीटियां रोजाना हजारों अंडे देती हैं। ये कौन आ गया भाई? गेम चालू करो यार। मैं हूँ डॉक्टर रेनॉल्ड, रणथंभौर प्रोजेक्ट का हेड। कुछ समय पहले मैंने और मेरी टीम ने इन चीटियों पर परीक्षण और प्रयोग करने का काम शुरू कर दिया था। उसमें हम ओरिजिनल एलियन के डीएनए के साथ कुछ चीटियों और मकोड़ों का डीएनए मिला के एक व्यावसायिक आविष्कार करना चाहते थे, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता। लेकिन आज सुबह एक सुरक्षा उल्लंघन की घटना सामने आई। बैच 9, वो चीटियां कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान थी। उन्होंने अपना खाने का समय समझ लिया और हम पर ही हमला कर दिया। हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम रही और हमारे 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी लापता है या फिर मर गए। अब ये बैच 9 एक कॉलोनी बनाने की कोशिश करेंगे किसी अंधेरी और ठंडी जगह पर, ताकि इनकी रानी वहां जाके अंडे दे सके। भाग्यवश मैंने और मेरी टीम ने इनका डीएनए इस तरह से डिजाइन किया था कि इनको अंडे बड़े करने के लिए जिन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी वो केवल इथेनॉल से ही पूरी हो सकती है। ये सब तो ऊपर से निकल गया, क्या बोल रहा है ये? उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए इथेनॉल चाहिए। भाग्यवश हम एक रेगिस्तान में है जहाँ इथेनॉल नहीं मिलता। तुम क्या ढूंढ रहे हो? शुक्र है ऊपर वाले बोला कि उन्हें इथेनॉल चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए। हाँ, बेवकूफ। मुझे और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या बात है, अनजान डीएनए इथेनॉल आविष्कार मकौड़े चीटियां, ये तो बहुत ही मजेदार है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा डरावना है, पर मुझे लगता है कि ये मजेदार भी बहुत है। सुनो सुनो गाइस। क्या? इथेनॉल। तो तुम लोग जानते हो इथेनॉल क्या होता है? हमें उन्हें सावधान करना होगा। काश हमें कॉल कर पाते। इसका मतलब हमें यहाँ से जाना होगा। वो सब हमारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे यार। अगर लीजा सही कह रही है तो वो लोग इथेनॉल ढूंढने जाएंगे। हमारे पास वैसे भी और कोई चारा नहीं है, हमें जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है। Oh, shit!
मेरे दोस्तों, मैं शांतिप्रिय इंसान हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ओफो, तू तो एक चींटी है। तुम्हें लगता है कोई जिंदा बचा है? लगता तो नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं। हमको सबको सावधान करना चाहिए। किसको? मैं नहीं जानता यार, किसी को भी, आर्मी, पुलिस, कमांडो, किसी को भी। स्टार्ट हो जाओ। जल्दी करो। पकड़ के रखो। क्या तुम कभी ये पार नहीं कर सकोगे? तुमने ऐसा क्यों किया? पागल हो गई हो? ये नहीं करती तो हम दोनों की दोनों मर जाते। देखो इस खाई को, कभी पार नहीं कर पाते। और लुकस कर पाएगा, यही है ना? क्या नहीं, लुकस भी इसे पार नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा, तुम्हारा जाबाज भी नहीं। लुकस कोशिश तो जरूर करेगा। हाँ मैं जानती हूँ वो करेगा, वो पागल है। प्लीज अभी चलो। रुको, जब वो पहले ट्रक से कूदा था मैंने देखा तुम उसको कैसे देख रही थी। वो पागल है, हम लोग को ये सब करना जरूरी है क्या? देखो सुनो, मुझे मालूम है हम एक खतरनाक स्थिति में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ गलत कर दें। तुम होशियार हो इसलिए तुम मुझे पसंद हो। तुम सच में? ए भगवान, ये लड़के भी कितने बुद्धू हो सकते हैं। हाँ सच में पसंद करती हूँ, नहीं तो मैं यूं ही इस रेगिस्तान में कुछ नशे में धुत मोटरसाइकिलिस्ट के साथ क्यों आती? मुझे लगा तुम्हें लुकस पसंद है। देखो ब्रायन, मुझे मालूम है लुकस तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन सोचो प्लीज। अच्छा बताओ मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? मेरे लिए तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। नहीं, नहीं। लीजा को उठाकर लेके गया। और मैं ठीक है यार, लेकिन बाइक कहाँ है? नहीं स्टार्ट नहीं हो रही। जल्दी बैठो, हमें जल्दी से लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। नहीं मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ब्रायन हम लीजा को ऐसे नहीं बचा सकते, बेवकूफ मत बनो। उसे ना बचाना बेवकूफी होगी, वो जिंदा है, उसने अभी तक मारा नहीं उसे। भूल जाओ यार, हम दोनों बेवकूफ नहीं है। तुम हो जो हमेशा जोखिम उठाते हो। अब या तो तुम और लोगों को लेकर आओ या फिर मर्द की तरह मेरे साथ आओ। अब उस तरफ क्या है? रंगीन गुफाएं। रंगीन गुफाएं मतलब अंधेरा और ठंड होगी। विशाल चीटियों के रहने के लिए एकदम सही जगह। नहीं चलो चलते हैं। समझ नहीं आ रहा तुम वहां जाकर क्या करोगे? पता नहीं, वहां जाकर सोच लूंगा। मेरे दोस्त हम लोग जाबाज नहीं हैं। मानता हूं नहीं है, लेकिन हम जाबाज से और भी ज्यादा होशियार हैं, इसलिए हम उसे बचा पाएंगे। हे भगवान, मरने के लिए इससे भी अच्छा तरीका है। शुक्रिया।
हाँ हाँ, अगर स्वर्ग में मुझे लड़की और बियर नहीं मिली ना तो मैं तुझे मार दूंगा। यहां रुको। पक्का ये करना चाहता है तू? सोच अगर दीपिका पादुकोण इसके अंदर हो तो। लेकिन उसको बचाने के लिए रणबीर है यार, हमारी क्या जरूरत है दोस्त। अच्छा सोच, तू बाजीराव सिंघम है। अच्छा, स्टाइल के साथ अंदर जाएगा और उसे बचाकर बाहर लाएगा। वाह, ये तो पूरा पागलपन है। मैं सिंघम हूं, राइट? बेशक, तू सिंघम ही है। Yeah. अब क्या? मुझे नहीं पता, मुझे ये कोयले की खान जैसा लग रहा है। इस तरफ। वाकई? हाँ। वो क्या चमगादड़ था? कोई पक्षी होगा। क्या ट्रिप है, हम अभी जुरासिक पार्क से एलियंस तक आ गए मेरे दोस्त। अगर मेरे ऊपर कोई फिल्म बने तो उसका नाम जाबा सिम्बा रख देना। घटिया जोक। इसमें क्या घटियापन है बता यार। लगता है इन्हें अपने बच्चों को खिलाने के लिए जिंदा रखा है। ये इतना चमक क्यों रहे हैं? वहां सब ठीक हो जाएगा लीजा, प्लीज उठ जाओ। वो लोग आ रहे हैं, हमें निकलना पड़ेगा। आप तो उस वीडियो में थे ना? Right, Dr. Strangelove, ऐसा ही कुछ नाम था ना? मैं हूँ Dr. John Lord, हाँ। और मैं अपने करियर के बारे में दोबारा सोच रहा हूँ। मेरे माँ के रेस्टोरेंट में काम करोगे? जल्दी, समय नहीं है। नहीं, मैं लीजा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम इसे स्पेशल औजारों के बिना नहीं चुना पाओगे। अब चलो। मदद कर यार। ब्रायन, हमें जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है वरना हम सब मारे जाएंगे। अभी मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। हमें स्वचालित बंदूकों से बच के रहना होगा। तुमने मेरा वीडियो देखा होगा, अब ये बंदूकें एक्टिवेट हो गई हैं। हाँ हाँ, वो वीडियो गेम जो ब्रायन खेल रहा था। हमने उससे पहले के 8 बैचेस खत्म किए थे, लेकिन 9वें बैच में पहुंचने से पहले सब भाग गए। अच्छा है, लेकिन हमें बैच 9 की चिंता करनी चाहिए। उनकी खतरनाक सोचने की ताकत से अब वो अपनी तादाद बढ़ाएंगी। लेकिन सारी जगह पे स्वचालित बंदूकें लगी हुई हैं। अगर हम उनकी रेंज में आ गए तो समझो हमारी जान को खतरा है। ये उन बंदूकों के स्थान का नक्शा है और इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी उन 50 कैलिबर बुलेट से बचने के लिए। वाह, तो अब राक्षसी चींटियों के साथ साथ हमें अब रोबोट मशीन गन्स का भी मुकाबला करना पड़ेगा। इससे अच्छा दिन जिंदगी में हो ही नहीं सकता। आपने अपनी YouTube वीडियो में कुछ खास हथियारों के बारे में बात की। हमने कुछ अत्याधुनिक हथियारों का आविष्कार किया है जो इन विशाल चींटियों के शरीर को भेद सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए उनका शरीर बहुत मजबूत है। हाँ, हमने ध्यान दिया है। आपकी कुछ और वैज्ञानिक कारीगरी है? नहीं, ऐसे नहीं।
चीटियां बहुत ही लचीला जंतु है। हमने सिर्फ अनजान विदेशी डीएनए के साथ उनका मेल करके उन्हें विशाल काय बनाया है। ओ बस इतना ही? वो कहाँ है विशेष हथियार? जांबोरी साइड पर। मुझे एक मिनट दो थोड़ा सांस लेने। हमारे पास उतना समय नहीं है। दरअसल हमारे पास थोड़ा समय है। चीटियां उन लोगों को उठाकर लाई अपने बच्चों को खिलाने के लिए, जो काफी समय से वो नहीं कर पा रही थी। पता नहीं उन्हें कहां से इथेनॉल मिला, लेकिन अब जब उनके अंडे फर्टिलाइज हो गए हैं तो उनके बच्चे जन्म ले ही लेंगे। उनकी संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी और वो शिकार के लिए जहाँ जाएंगे वो है शहर की ओर। कितनी देर? कम से कम 30 मिनट। उन्हें बंद कर देने का आपके पास कोई और तरीका तो होगा? तुम्हें क्या लगा वो रोबोट्स है? फिर लड़ाई में आप उन्हें काबू कैसे करेंगे? लड़ाई? प्रोजेक्ट का मकसद हथियार बनाना बिल्कुल नहीं था। तो फिर इतनी बड़ी डरावनी चीटियां? देश की रक्षा के लिए। तुम्हें मालूम है एक मक्खी का मकड़ी की जाल की तरफ उड़ के जाना एक F-16 विमान का Mach 1 की तरफ उड़ के जाने के बराबर है? इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। हमने एलियन चींटियों का डीएनए टैरेंटुला के डीएनए से इसलिए मिलाया ताकि हम लोगों की जान बचा सके। एक मिनट, ये सब कितने सालों से चल रहा है? 1950 के दशक से, जब वो कोहिनूर सितारा टूटकर पृथ्वी पर गिरा था। हे भगवान, विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें जम्बूरी साइड पे जाना चाहिए। तुम लोग जवान हो, समय पर पहुंच जाओगे। अगर हमें हथियार मिले तो हम इस बैच को खत्म कर सकते हैं। हर बैच टेन एकदम सही होगा। 10? इतना कुछ होने के बाद भी आप बैच 10 की बात कर रहे हैं? आप भी ना कमाल हो अंकल। नई तकनीकी आविष्कार के साथ साथ गलतियां होती रहती हैं, और उसकी इंसान जितनी कीमत चुकाता है उससे कहीं ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये सब हमारे दोस्तों को बोलो जो मरने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बहुत हुआ, हमें लीजा को बचाना है। उसका साइज तो देखो। उस तरफ नहीं, उन बंदूक की गोलियों से हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। इस तरफ। मुझे कोई चींटियां नहीं दिख रही। मुझे भी नहीं। उन्होंने कहा था हथियार पीछे की तरफ होंगे, चलो वहां चलते हैं। निंजा स्टाइल। वहां से रुको रुको, देखो उन्होंने हथियार की लोकेशन तुम्हें बताई है ना? मैं समझा नहीं, नक्शे पर तो ये नहीं था। मैं समझ गया, वो चाहता था कि हम हथियार के चक्कर में मारे जाएं। वो इंसान से ज्यादा उन चींटियों से प्यार करता था ब्रायन। एक मिनट रुको, हो सकता है ऐसा कोई हथियार हो ही नहीं। कम से कम चेक तो करते, सिर्फ 20 मिनट बाकी है। लेकिन हम इसकी नजर से बचकर कैसे जाएंगे? तुम क्या कर रहे हो ब्रायन? वो अटक गया है। तुझे कैसे पता? हमें जल्दी चलना होगा। अरे बाप रे, हथियार कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा, चल ढूंढते हैं। खाली है, ढूंढते रहो। यहां कुछ नहीं है यार। कोशिश तो कर।
ये बकवास आइडिया है। यहां तो सब खाली है। हाँ देखो यहां एक और है। देख यहां बियर है। अभी नहीं। चलो ठीक है, हो सकता है कि बंदूकें वहां पीछे हो। हो सकता है, यहां तो कुछ नहीं है। देख हम किसी भी हाल में चींटी को पार करके अंडे के फूटने से पहले वहां नहीं पहुंच सकते। अगर हमने इस वक्त हार मानी तो ना सिर्फ हमारे दोस्तों को बल्कि पूरे शहर को एक खा जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी और को ये चेतावनी पहुंचा सके तो? ये तो और ज्यादा खतरनाक होगा। मरे हुए लोग ज़ॉम्बीज बन जाएंगे, पता है ना? अभी डर के कोई फायदा नहीं है। हमें इस चींटी को पार करना ही होगा। मुझे पता नहीं ब्रायन। जाबाज की वो बात याद कर, खुद पर यकीन कर, नहीं तो कोई और नहीं करेगा। ठीक है करते हैं, लेकिन मैं मरने से पहले एक बियर जरूर पीना चाहूंगा, इजाजत है? ठीक है, पर शेयर करनी पड़ेगी। हेलो, पूरे दिन से मुझे एक भी बियर पीने को नहीं मिली है। हाँ सही, आइए। दत्त, ब्रायन, 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 लुकास, मैंने ढूंढ लिया। कितनी हाईटेक बंदूक है, हम किस्मत वाले हैं। तुझे बंदूक चलानी आती है ना? मुझे मशीन्स के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन बंदूक, इससे निशाना लगाओ और शूट करो। जबरदस्त है यार, मुझे भी एक चाहिए। यार मेरी वाली ऐसी क्यों है? अच्छा बदल देते हैं। हे बेबी, मेरा नाम लुकास है और मैं तुम्हारा पापा हूं। ये क्या है? प्लाज्मा बोल्ट कटर, इससे काटे जाते हैं कुकून्स। आसमां की तो देख लो। जाबाज अपनी किस्मत पे रोएगा। अरे हाँ, मेरे इस दोस्त को हेलो बोलो। अरे तू पागल है, क्या कर रहा है यार? क्या? बंदूक संभाल के पकड़। कुछ भी हो यार, हम खतरनाक हैं। ये तो बहुत ज्यादा भारी है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। अब दिमाग लगा कि वहां पहुंचेगा कैसे, वो जाबाज वाली स्टाइल में। रुक, यहां कुछ तो है। वाह, यहां दो हैं। फिर से बोल, प्लान क्या है? आई हो। मैंने तुमसे वादा किया था ना, लो मैं आ गया। हाँ।
डिस्टर्ब करने की गुस्ताखी कर रहा हूं, लेकिन हाँ पहले इसे खत्म करते हैं। ये बहुत ही घटिया प्लान है, लेकिन लेकिन करना तो पड़ेगा। गुड लक। रुको, बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मुझ पर यकीन है। गुड, आ जाओ। ठीक है। ए इधर देख, हाँ हाँ मैं तुझसे ही बात कर रहा हूं। मैं हूं नया जावा। दोबारा लोड करें। ये क्या मजाक है, पहले क्यों नहीं बताया तुम खाली हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। गोली निकालो, मारो उसे। मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं कह रहा हूँ फायर। मुझे नहीं समझ आ रहा, सिस्टम बंद हो रहा है। भागो। नहीं छोड़ सकते। मेरे पास एक आइडिया है और शायद ये काम कर सकता है। अगर नहीं किया तो? मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं अपने फीलिंग्स तुम्हें बता पाया। ये काम करेगा? नहीं था। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता। तुमने कर दिखाया। वाओ। सपने में मैं अपनी दादी को देख रहा था, मुझे लगा मैं उनके पास पहुंच गया हूं। हो गया। उस तरफ। शुक्रिया दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लुकस।
रुको, क्या ये टैंक मुझे चाहिए? लेकिन किस लिए? मैं कुछ समझा नहीं यार। मुझे टैंक चाहिए। तुमने बोला था इसका स्वाद गैसोलीन जैसा है। बिल्कुल, इसलिए तो मुझे चाहिए। हाँ ठीक है। दोस्त वादा करो आराम से पियोगे। वादा रहा। हाँ उस तरफ। ठीक है दोस्त। अब आजाद पंछी है दोस्तों। सायोनारा। अब आएगा मजा। अच्छा है। टिम, मैं तुम्हारे लिए वापस आया। प्लीज लुकस, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्यों? तुम तो खुद को तोप समझते हो। बचा लो लुकस, मेरी मदद करो। मदद करूं? पक्का सोच लो। कूदना होगा ब्रायन। नहीं मैं। तुम कर सकते हो, मुझे यकीन है। मैं कर सकता हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ लग तो रहा है। अब मरो चींटियों, हमने हरा दिया तुम्हें, क्योंकि तुम बदसूरत और बेवकूफ हो। हम तुमसे ज्यादा होशियार हैं। तुम बदसूरत हो, हम होशियार हैं। चलो चलते हैं। Yes. क्या हुआ? पता नहीं। क्या हम पीछे जा रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं। अब गोली खा। मुझे नहीं समझ आ रहा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं समझ आ रहा। गोली चलाओ।
गोली चलाओ। इसे मुझे दो। तुम गाड़ी चलाओ। ध्यान से सुन, यहाँ पर एक ही रानी है और वो हूँ मैं। जैसा बोलती हूँ वैसा कर। सिस्टम गोली चलाने के लिए तैयार है। टारगेट देखो और खत्म करो। गोलियां दागने के लिए तैयार। मौज कर। लीजा, लीजा, तुम ठीक हो? हाँ। मेरे पास आओ मेरी जान। मैं वादा करता हूँ कि सबको बताऊंगा कि तुम सबसे अच्छे रेसर हो और कभी कभी तुम्हारे साथ रेस नहीं लगाऊंगा। और मैं भूल गया। और आज से तुम मुझे सिर्फ इस नाम से बुलाओगे, लुकस नया जाबाज। मंजूर है, अभी तो मुझे यहां से बाहर निकालो। मेरे लिए काफी है। चलो हमें यहां से निकलना चाहिए। यहां फिर आग कौन लगाएगा? जाओ खुद को बचा लो, बाकियों को मैं बचा लूंगा। जाओ यहां से निकल जाओ। ये तेरे लिए है ब्रायन, सिर्फ तेरे लिए मेरे दोस्त। अब देखो जलवा। दोस्तों, तुमने वो विशाल चींटियों को देखा है क्या? कहाँ है लूकस? मुझे लगा वो इधर ही है यार, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है यार। कहाँ है लूकस? उसने मुझे बचा लिया, वो अभी अंदर ही है। क्या? नहीं, वहाँ चारों तरफ आग है, अंदर जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। सुना तुमने? लूकस ऐसा कभी नहीं चाहेगा। लूकस, लूकस। टिम, तुम जिंदा हो? शुक्र है। वो जिंदा है क्योंकि लूकस ने उसे बचाया। वो अंडो को खत्म करने के लिए वहां रुका है। क्या ये सच है? हाँ ये सच है, उसने सबको बचाया। रास्ते से हट जाओ। रुको, ये क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। जीत गए। अरे यार, क्या ये मैं ले सकता हूँ? हाँ जरूर। शुक्रिया दोस्त। हाँ थैंक्स। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे भाई और बाकी सबकी जान बचाई। तुम वाकई में जाबाज हो लूकस। और ये हमारे सर्कल का बेस्ट रेसर भी है। अब मैं तुम्हें कभी चैलेंज नहीं करूंगा। क्योंकि मैं कौन हूँ टीम? क्योंकि तुम हो लूकस, नए जाबाज मेरे दोस्त। वो तो मैं हूँ, लेकिन अब से तुम मुझे लूकस बुला सकते हो। ओके, ये थोड़ा अजीब था, पर ये दिन पूरा अजीब ही गुजरा। जो भी है, तुमने वाकई में बड़ी हिम्मत दिखाई क्रैग। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। कहीं चोट तो नहीं लगी? इसके ऊपर तुम्हारा हक है। शुक्रिया।
अरे आवाज कैसी है? अब वो क्या है? वही तो, सब खत्म हो जाने के बाद पुलिस आई होगी। ये पुलिस नहीं है ब्रायन। तो कौन? कैसे हो सब लोग? सुना है कि यहाँ रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। कैसी थी पार्टी? सही है, सच में शानदार, एकदम शानदार, बिल्कुल। अच्छा ठीक है दोस्तों, गुड। मुझे लगता है कि तुम लोग शानदार पार्टी देने में माहिर हो। तो किसी के पास बियर है? मेरे पास है सर, ये लीजिए। ये तुम्हारा बड़ापन है मेरे दोस्त। चीयर्स जेंटलमैन। रेडी? बिल्कुल तैयार। अब देखो चलो। Unchanged for millions of years, yet witness to a biblical prophecy come true that one day the meek shall inherit the earth.